अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई आइडेंटिफिकेशन। दिस इज मी उस्मान अली, योर इंग्लिश टीचर। आज ईडियम्स के थर्ड लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। और आज के ईडियम्स की खास बात यह है कि इसमें जितने भी जो ईडियम्स हम करेंगे सब में ब्लू का वर्ड जो है वो कॉमन है। सो लेट्स मूव टू द बोर्ड एंड स्टार्ट द लेक्चर। फर्स्ट ईडियम है दैट इज ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड, दैट साउंड स्ट्रेंज। इज देयर एनी ब्लू ब्लड? नो, देयर इज नो ब्लू ब्लड एक्चुअली। लेकिन इसके पीछे जो है एक खास कॉनोटेशन है, खास एक इसका ओरिजिन है, और वो ओरिजिन बिलोंग करता है स्पेन के हवाले से। वो क्या है कि स्पेन के लोग जो हैं, जब इन पे तकरीबन जो है 8th century में जो मोरिश थे, जो अरब लोग थे, जब उन्होंने इन पे कब्जा कर लिया, तो ये जो मोरिश थे उनका जो स्किन का कलर था वो डस्की था, वो जरा थोड़ा डार्क कम्प्लेक्शन का था। जबकि ये जो लोग थे, खसूसन वो लोग जो एरिस्टोक्रेटिक थे, जो कि शाही खानदान से ताल्लुक रखते थे, उनका जो कलर था वो फेयर था। और वो इतना फेयर था कि जैसे उनके ये जो वेन्स होती थी वो उस तरह से लगती थी जैसे उनका कलर जो है वो नीचे ब्लू हो, और ब्लू कलर का जो ब्लड है उनके अंदर मौजूद हो। तो यहाँ से जो है ये ईडियम ओरिजिनेट हुआ के अरिस्टोक्रेटिक लोग, शाही खानदान से ताल्लुक रखने वाले लोग, और उनका ब्लड किस कलर का है जी? उनका ब्लड है जी ब्लू ब्लड। तो यहाँ पर जो है सेंटेंस में इसको हमने यूज करना है, तो ब्लू ब्लडेड पीपल और द पीपल हु हैव ब्लू ब्लड इन देयर वेन्स मोस्ट ऑफ द टाइम रिमेन इग्नोरेंट ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द पुअर। नेक्स्ट ईडियम जो है दैट इज ब्लू स्टॉकिंग। ब्लू स्टॉकिंग, स्टॉकिंग किसको कहते हैं जी? स्टॉकिंग जो है लॉन्ग सॉक को कहते हैं, लॉन्ग सॉक्स, लंबी जुराबों को बोलते हैं। कभी पहले सिर्फ जो है ये ख़वातीन इस्तेमाल करती थी, लेकिन अब जो है वो मर्दों के लिए भी जो है, मेंस के लिए, जेंट्स के लिए भी मौजूद हैं। तो यहाँ पर जो है अगर आप इसका मीनिंग देखें तो ये अदबी ज़ोक रखने वाली खतून को बोलते हैं ब्लू स्टॉकिंग। लेकिन इसके पीछे क्या स्टोरी है कि जिसकी वजह से अदबी ज़ोक रखने वाली खतून को ब्लू स्टॉकिंग कहा जाता है? तो एक्चुअली ब्लू स्टॉकिंग जो है ये एक एम्बलम है, ये एक सिंबल है, ये एक अलामत है। किस चीज़ की अलामत है? ये अलामत है एक जो है 14th century में इटली में एक मूवमेंट शुरू हुई थी कि वहाँ पे जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने अपने एक तंजीम बना ली, और उसकी जो अलामत है वो ब्लू कलर की सॉक को, ब्लू कलर की स्टॉकिंग्स को रख लिया। जबकि फिर यही जो मूवमेंट थी ट्रैवल करती हुई फ्रांस से पहुंची, फ्रांस से फिर जो है ये जब इंग्लैंड में आई तो इन 1750, इंग्लैंड में ये तकरीबन 1750 का दौर है, तो वहां पे खतून है जी, उसका नाम था लेडी मोंटैगू। अब ये जो लेडी मोंटैगू है ये इन्होंने सोचा कि ये अपने घर में जो है मुख्तलिफ तरह की तकारीब करती रहती थी, मुख्तलिफ जो है पार्टीज वगैरह करती रहती थी, इन्होंने कहा कि हम सारा वक्त ऐसे ज़ाया कर देते हैं, तो क्यों ना इस वक्त को जब के लोग इकट्ठे भी होते हैं तो हम एक ऐसी गैदरिंग में चेंज कर दें जहां पर लोग जो हैं वो बैठ के कोई फ्रूटफुल डिस्कशन करें, खसूसन जो है इंटेलेक्चुअल पोइट्री डिस्कस की जाए, नॉवेल्स डिस्कस किए जाएं, नॉलेज के हवाले से बात की जाए। तो इस खतून ने जिसका नाम जो है वो लेडी मोंटैगू है, इसने जो है बुनियाद रखी कि अब जो है हम अपनी गैदरिंग किया करेंगे, शाम के वक्त यहाँ पे इकट्ठे हुआ करेंगे और मुख्तलिफ इंटेलेक्चुअल बातें जो है वो डिस्कस किया करेंगे। और इन्होंने भी जो अपनी जो तंजीम बनाई गई, जो मूवमेंट का आगाज़ किया, ये जो गैदरिंग इन्होंने इकट्ठी कर ली, तो इसके लिए जो उन्होंने जो अलामत रखी वही थी जो कि इटली से शुरू हुई थी, जो कि नीले रंग की एक लंबी जुराब थी। अब हुआ यूँ कि जब शाम के वक्त ये मीटिंग्स चलती थी तो वहाँ पर जो है एक खतून जिसका नाम है बेंजामिन स्टिलिंग फ्लीट। अब ये जो बेंजामिन स्टिलिंग फ्लीट थी, अब ये क्या करती थी कि शाम के वक्त वहाँ पे फैशन नहीं था कि ब्लू कलर की स्टॉकिंग्स पहना जाए, लेकिन ये अपनी उस मूवमेंट के साथ वाबस्ता होने की वजह से ये शाम के वक्त भी ब्लू कलर की स्टॉकिंग्स पहन के आ जाती थी, जो बड़ी जो है रिडिकुलस लगती थी। और लोग जो है वो पहले ही इनका मजाक उड़ा रहे थे कि देखें जी खवातीन ने कौन सी मुहिम शुरू कर ली है। तो इस खतून की वजह से, बेंजामिन की वजह से जो है इस पूरी मूवमेंट का नाम ही जो है क्या रख दिया गया जी, मूवमेंट का नाम रख दिया गया ब्लू स्टॉकिंग मूवमेंट। तो वहां से
फिर ये ईडियम की बुनियाद पड़ गई कि वो खातून जिसका ज़ौक जो है वो लिटरेचर में होता है, वो अदब में होता है, स्टोरीज या फिक्शन में होता है, तो उसको कहा जाने लगा कि आजी आप ब्लू स्टॉकिंग वुमन। तो इसका जो है हम एक ईडियम में यूज़ कर लेते हैं, परवीन शाकर इज़ अ ब्लू स्टॉकिंग वुमन, शी हैज़ रिटन मैनी डिफरेंट बुक्स ऑन पोइट्री। नेक्स्ट नंबर 3, वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभार शाज़ो नादर। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है, कभी आपने ब्लू कलर का मून देखा है? तो मैंने तो कभी भी नहीं देखा, अभी तक तो मुझे देखने का इत्तेफाक नहीं हुआ। तो कहा जाता है कि ब्लू मून जो है वो खास एटमोसफियर में, खास एटमोसफेरिक प्रेशर में अपीयर होता है, और इसको देखने वाला जो है वो यकीनन एक खूबसूरत मंजर देखता है कि ब्लू कलर का मून, दैट्स वंडरफुल। लेकिन ये रेयर जो है हैपनिंग है, इसकी कभी कभार ये मंजर देखने को मिलता है। तो इसलिए इसकी बुनियाद जो है ओरिजिन पड़ गया इस हवाले के साथ कि वो वाक्या जो कभी कभार होता है, जैसे जो है मोस्ट ऑफ द टाइम पोइट्स कहते हैं जी, पोइट्स लाइफ के बारे में बड़े जो है बाज़ुकात पैसिमिस्टिक होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम पोइट्स से दैट लाइफ इज़ अ बेड ऑफ थॉर्न्स, दे से दैट और दे क्लेम दैट देयर इज हैप्पीनेस बट वंस इन अ ब्लू मून, कि कभी कभार जो है वो खुशी देखने को मिलती है इसमें जी, जिंदगी में। और अगर हम नेक्स्ट जो है आइडियम देखें जी, अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, इसमें भी देखें कि ब्लू का वर्ड शामिल है, और बोल्ड किसको बोलते हैं जी, बोल्ड बोलते हैं लाइटनिंग को, आसमानी बिजली को, जो अचानक जब आसमानी बिजली चमकती है, जो उसका एक कोंदा होता है उसको बोल्ड कहते हैं। तो अगर आप इसमें देखें तो अगर आसमान जो है वो ब्लू कलर का हो और उस पर बिजली चमकना शुरू हो जाए तो दैट सीम्स क्वाइट स्ट्रेंज, आप हैरान होते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो एक्चुअली अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू जो है ये ऐसी सिचुएशन के लिए बोला जाता है विच इज़ अनएक्सपेक्टेड। तो हम इसका एक जो है वो सेंटेंस बना लेते हैं कि मिस्टर स्लीम्स रेजिग्नेशन वॉज अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू फॉर ऑल द स्टाफ, कि सारे स्टाफ के लिए जो मिस्टर स्लीम का रेजिग्नेशन था, जिसने रिजाइन कर दिया, तो सबके लिए हैरत का बायस था कि उसने ये क्यों किया। नंबर 5, लास्ट वन फॉर टुडे, अ ब्लू आइड बॉय, अगर इसका लफ्ज़ तर्जमा करें तो नीली आंखों वाला लड़का, तो ब्लू आईज और इसके साथ साथ जो है फेयर कलर्ड या कम्प्लेक्शन, ये लिटरेचर में और हिस्टोरिकली देखा जाए तो हमेशा जो है इसको इनोसेंस के साथ, मासूमियत के साथ जो है इसको सिनोनिमस करार दिया गया है, मुतरादफ करार दिया गया है कि जो ब्लू आई लोग होते हैं, फेयर कम्प्लेक्शन होते हैं, दे आर इनोसेंट। ये सिर्फ कहने के आता है, वैसे इंसान तो कलर में कहीं पर भी नहीं छुपा हुआ, तो इंसान की अपनी एक नेचर होती है, वो कलर से मेरा हल्के हट के होती है। लेकिन एनीवे जी, हम इसके ईडियम के ओरिजिन के हवाले से बात कर रहे हैं, तो ब्लू आइड बॉय जो है क्योंकि वो पर्सन जो इनोसेंट भी है और जो है उसके अंदर जो है वो पाइटी भी मौजूद है, तो यकीनन जो है वो सबका पसंदीदा शख्स होगा। तो इसलिए ब्लू आइड बॉय जो है ये उस पर्सन के लिए बोला जाता है कि जो किसी का फेवरेट है, हु इज़ फेवरेट विद समवन। तो इसका जो है बहुत सारे सेंटेंस इजीली आप जो है फॉर्म कर सकते हैं, बट इन ऑर्डर टू गिव यू एन एग्जांपल, मिस्टर हुसनैन इज अ ब्लू आइड बॉय ऑफ हिज बॉस बिकॉज ही इज एवर रेडी टू सर्व हिम, वो हमेशा तैयार रहता है जी सर्व करने के लिए, देयर फॉर ही इज ब्लू आइड ऑफ हिज बॉस। एंड दैट्स ऑल फॉर टू डेज, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।